अरे बेटा कुछ दिन और गांव में रुक लो। वैसे भी शहर जाके क्या करोगे? वहाँ सारे दिन मोबाइल में गेम खेलोगे, टीवी देखोगे। अरे गांव का शुद्ध वातावरण है, इसमें और रुक लो। रुकना तो चाहता हूँ दादाजी, लेकिन क्या करूँ? पिताजी नहीं चाहते कि मैं गांव के लोगों से मिलूं और घर से बाहर निकलूं, पता नहीं क्यों। अरे ताऊ जी, क्या सिखा रहे हो बच्चे को? क्या सीखेगा गांव में रह करके? ये तो आपको पता है, गांव में लड़ाई झगड़े करने वाले और नशा करने वालों के अलावा कोई नहीं बचा। हो सकता है कल को आप ही के साथ बैठ करके ये हुक्का पीना सीख जाए, क्या गारंटी है इसकी? आओ बेटे चले। छोड़कर अपनों को जो वाखुशी जुदा हो रहे हैं, कंक्रीट के जंगलों में जाकर गुमशुदा हो रहे हैं, हसरते बेहतरी की क्या क्या कराती है, गांव को छुड़ाती है, शहरों में बसाती है। गांव के गांव को अगवा कर ले गई वो सर्पीली सड़क जो शहर जाती है। वो बिछड़े लोग खेत फिर याद करते हैं, चले आओ फिर से गांव आबाद करते हैं। कभी थकन हो तुम्हारे पाँव में तो तुम लौट आना अपने गांव में। यहाँ की शीतल पावनी पवन तुम्हारे मन को छूकर तुम्हारी रूह को आराम देगी। यहाँ के परिंदों का कलरव तुम्हारे रक्तचाप को तुम्हारी हदों में रहने के लिए रजामंद कर लेगा। तुम्हारे जहन में मचता शहर का कोलाहल गेहूं की सुनहरी बलियों की पसरी खामोश पिजामे में बदल जाएगा। लगाकर चार पाई लेट जाना पेड़ की छाओ में, कभी थकान हो तुम्हारे पाँव में तो लौट आना तुम मेरे गांव में।